इंशाल्लाह अगले सीजन और भी थोड़ी टीमों को देंगे, मगर मेन चीज़ ये है कि जितना हम यूनिक रख सकें टूर्नामेंट, क्योंकि हमने इंक्वायरीज तो बहुत आई थी मगर हमने ऐसे 20 ओनर्स को चूज़ किया जो सच्ची स्पिरिट में क्रिकेट खेलना चाहेंगे, जो गेम के बारे में ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो और जो प्लेयर्स को और बढ़ावा और मोटिवेशन दे सके, तो उस हिसाब से हमने क्रिकेटर्स क्रिकेट प्लेयर्स को भी चूज़ किया और टीम ओनर्स को भी चूज़ किया। देखो ग्रोथ की तो कोई सीमा होती नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े। पहले हमने मुंबई में शुरू किया है, हो सके हम पैन इंडिया भी कर सकें। ये हमारा पहला सीज़न है तो मैं ज़्यादा इसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा, मगर हर सीज़न में हम बढ़ते रहेंगे और सभी का सपोर्ट रहा तो हम बहुत भी अच्छा करेंगे। क्रिकेट से हमने बहुत अभी कम ही देखा है, मतलब बॉलीवुड में ज्यादा हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इकट्ठा कर लेते हैं। आप आपने कहा आपने यूथ को देखा तो आपने नहीं नहीं आपके लिए मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ यहाँ पर। नहीं मैं खुद भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरी टीम भी खेल रही है एंड आई वाज ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्समैन ऑल माय लाइफ, सो दिस इज नथिंग न्यू टू मी एंड ऑल द गेम्स जनरली वी प्लेड इन दिस ग्राउंड एंड दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म अंडर आर्म क्रिकेट एंड यू वोंट बी सरप्राइज्ड दैट दिस वुड बी अ ट्रेंड सेटर इन कमिंग डेज एंड यू वुड हैव अंडर आर्म बीइंग प्लेइंग नेशनली इंटरनेशनली। जो निशान ने जो मेहनत की है इस पे एंड इस होल टीम को मैं समझता हूँ ये एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, क्योंकि देखोगे आप ये जो अंडर आर्म क्रिकेट है बिकॉज वो लोग लैक ऑफ ऑपरचुनिटी लोग खेलते हैं अपने कंपाउंड में खेलते हैं, तो इस तरह का टफ होने के वजह से लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपने खेल का प्रदर्शन करने का एंड कुड गो नेशनली इंटरनेशनली एंड जैसे लास्ट टाइम आप देखें युवराज आया फिर खेला जी इट वॉज वेरी आई मीन फॉर हिम इट वॉज समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड इट हैज गॉट इट्स लाइक यू नो हाउ यूज टू हैव स्नेक्स एंड लैडर्स डबल फोर्थ ओवर होता है ये इसमें अगर आप विकेट लो तो 5 रन चले जाते हैं, रन मारो तो डबल होगा, सो इट्स अ वेरी टेम्प्टिंग गेम। अब हमने हमेशा देखा है कि सपोर्ट काफ़ी मिलता है अभी आने वाले दिनों में, सेलिब्रिटी आ रहा है तो अभी शाहरुख या सलमान ऐसा उम्मीद रख सकते हैं हम? वो तो निशान के ऊपर है जिसको बुलाए इन्वाइट करें और उनके ऊपर स्पोर्ट्स में जितनी दिलचस्पी रखे एंड आई थिंक वाई शुड दिस आल्सो कम बिकॉज आफ्टर ऑल सलमान हैज प्लेड वन ऑफ मैचेस आल्सो शाहरुख आल्सो ऑन अ स्पोर्ट्समैन वी वांट टू कम इज बेसिकली सपोर्ट्स द गेम एंड द इज नॉट बिकॉज रिलेटेड I am talking that we should go nationally, internationally, worldwide. And now it is up to him, how does he take it? And it has, you know, it has started it and it should go worldwide. I mean, this is our first season. We worked really hard and the response we garnered is very, it's been very fruitful for now. And we appreciate the support we received from everyone. Because this is obviously something which is relating to fitness, which is relating to playing together in a team and getting together. So we would obviously like to take it ahead in the best way forward. And with every year we aim to grow and with everyone's support we should be doing that. We are at the sportsman. He's here as a team player. And we are the team player, to be very precise. Thank you. देखा ये हो गया।
big turf there, you know, with proper international standard cameras, his own mic camera and everything, which is shown live on YouTube and on Dennis Quick Life World Channel, which has about 8 to 10 lakh views, etc. So we've got all our food sponsors and also all the audience that comes to watch the game, all the food and all the things that we know that. Hey Ram, all you bloody messed up all game. Amazing, yeah. So this is proper big field. It's a level. Yeah, that's a big field. Up here it was. Photographer. फोटोग्राफर नीचे बैठो ये फोटोग्राफर अरे मित्रा वायर खींच ना ये फोटो अरे मित्रा नीचे नीचे an amazing day that you've come today because today we've got the first biggest total, 8 overs, 48 deliveries and 145 runs. Ricky Tiger is one of the team has scored today. Fantastic, yeah, good. I was one of the biggest hitters when it came to screen, so probably yes. Watched that kind of hitting, yeah, but unbelievable. You know what's exciting is when you come here, you go to places because it's an event and friends are doing it, so you go to support it. But when you come here and see it at such a level, somewhere down the line you feel, oh God, I wish I could also, you know, so fantastic, great feel. Of course, you do play the Celebrity Cricket League, seen some lovely games happen there as well. Yeah, but they've pushed me out now, they say, you know, uncle you relax, we will play. So they push the youth into the forefront. Don't give me a chance to bat too much, but I love my fielding, so I end up doing a lot of fielding and don't let the ball go by, so that's important. You are really an inspiration for all our young players here. Thank you so much for being here this evening. अरे बचपन ही याद आता है, ऐसे मन कर रहा है अभी जाके खेलूं, इतना डिस्टर्ब्ड हूँ। डिस्टर्ब इसलिए हूँ क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पर कंपटीशन किया जाएगा। आप जब इंटरनेशनली जाते हो और
ग्राउंड्स देखते हो, न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, किसी भी स्पोर्टिंग कंट्रीज में जाओ, जब आप ग्राउंड्स देखते हो और बच्चों को देखते हो यूनिफॉर्म में खेलते हुए, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है. तो आई थिंक ही इज मैनेज समथिंग दैट इज अनरियल. आई मीन सीइंग द काइंड ऑफ टीम्स हियर, द नंबर ऑफ एंथुसियास्ट्स हियर, आते आते वहाँ फुटबॉल कई जगह पर बॉक्स फुटबॉल चल रहा है, क्रिकेट इज हैपनिंग हियर, अनबिलीवेबल. एंड ऑलवेज आई थिंक एक स्पॉट ही एक यू नो एक चीज़ है जहाँ जहाँ जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है. और असली हीरो अगर स्कूल में कोई होता है तो हमेशा स्पोर्ट्स कैप्टन या स्पोर्ट्स खेलने वाले होते हैं, पढ़ाई करने वाले होते हैं लेकिन होते रहते हैं. लेकिन जब स्पोर्ट्स आप खेलते हो तो आपको एक हीरो की तरह देखा जाता है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना. और आज खेलो इंडिया का जो अगर कैंपेन देखा जाए तो कोशिश यही है कि छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों से स्टार्स निकले. आई थिंक द इमर्जेंस ऑफ MS धोनी हैज प्रूवन टू द वर्ल्ड कि आपके पास अगर टैलेंट हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हो. एंड आई थिंक दीज आर प्लेटफॉर्म्स जहां से ये टैलेंट उभर के आ सकता है, बिकॉज ये फॉर्मेट बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मेट है. मुझे आज भी याद है कि विनोद कामली के साथ जब मैं फिल्म मैंने फिल्म की थी तो हम लोग खेलते थे, तो अंडर आर्म में मैं हर लंच ब्रेक में विनोद की डांडी उड़ाता था. और विनोद हर गेम के बाद मेरे को बोलता था, बॉलिंग के बाद अभी आउट नहीं होऊंगा. इट्स एन अमेजिंग थिंग, सुपर, ग्रेट जॉब डन. सर तो आज किस कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने आए हैं? मैं तो लीग को सपोर्ट करने आया हूं. मैं आई थिंक द लीग एंड द बेटर टीम विल विन, यू नो. सो सर फिर भी आप खेलते रहे, आप भी यहाँ अंडर आर्म एक अलग फॉर्मेट में हो रहा है, क्या कहेंगे ये फॉर्मेट? ये बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मेट है, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर ये फॉर्मेट में खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ की पेस मूवमेंट समझ में नहीं आता, सब अंडर आर्म आते हैं, स्लो छोटे रनअप के साथ आते हैं, लेकिन बॉल दोनों तरफा घूमता. तो आई थिंक इफ़ यू प्ले, रामनाथ पारकर जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आई थिंक एक प्लेयर जो शायद T20 के पहले आए, वनडे के पहले आए, वरना आई थिंक यू वुड हैव बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 एंड वनडे प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. जामुरी मैदान से ही निकले थे और उनके स्ट्रोक्स, ये आज बोलते हैं कि रिवर्स स्वीप और ये, वो तब भी रिवर्स स्वीप और ओवर द कीपर मारते थे. तो आई थिंक अंडर आर्म हैज ऑलवेज गिवन द बर्थ टू सम ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन द क्रिकेट ग्रोथ ऑफ मुंबई. सर एक मुंबई T20 टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या लगता है वो भी कितना अलग है, कितना बहुत ही बढ़िया? आई थिंक बहुत ही बढ़िया, क्योंकि नए बच्चों को मौका, स्पोर्ट को कभी भी आप देखोगे को पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रूवल नहीं मिला है. हमेशा वो कहते थे कि ठीक है खेलो कूदो, लेकिन क्या अपना घर चला सकते हो आप? आज स्पोर्ट की वजह से हम हमारा घर चला सकते हैं. कबड्डी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, राइफल शूटिंग हो, आज बच्चे टीम स्पोर्ट, जब भी टीम स्पोर्ट बढ़ेगा आई थिंक देश के बच्चों को एक मौका मिलेगा. एंड दिस बिकम्स अनदर ऑप्शनल करियर पाथ व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव मिस्टर शेट्टी हियर, ही इज एन आइकन हिमसेल्फ, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ, व्हाट डू यू हैव टू से? I mean, I really appreciate him coming here. He's always been a big supporter of fitness and fitness-related sports things. So we were just discussing another initiative he's taking. So it's indeed an honor to have sir here. And I'm waiting for him to... You would say uncle, but because there's so much media, because there's so much media, he's saying sir. So you can call me uncle. Say uncle. So I would... I'm waiting to actually bowl to uncle. Let's see how he... That's that. So, aap kya kehna chahenge? What are your take on Mr. Shetty here? No, it's a privilege to have him at the ground, because you know he's an inspiration to many youths, and for us also he's an inspiration. After all, we are youths. Yeah. So, you covered it up. Okay, thank you. Just one photo of Nick Tino. Yeah. Just three of your pictures. Nothing. So let's get started and let's call upon our Spartan Poker catch of the match, Tanveer Lokhandwala from I Love Mumbai. From
Strikers. From Strikers, sorry. You won yourself the Spartan Poker Catch of the Match trophy, of course, and a lovely gift hamper from our sponsor, Spartan Poker. And also a gift voucher from our sponsor, Nom Nom, worth ₹1200. Congratulations. I will now ready to call upon our exclusive Motors man of the match, Mr. Danish Faruqi. Danish! Really a moment to cherish receiving all these wonderful gifts from Nana. Danish Shetty himself. Danish, you must be so proud. Congratulations once again, sir. Thank you so much. How's the scoring? Yeah. No. How is it? I'll tell you. Batenge. Danish, aja. We got five of us. Let Bunty come here. चलो स्ट्राइक यू कैन गो फास्ट सो द अंपायर देयर आर फाइव अंपायर ओनली ऑन फील्ड देयर थ्री अंपायर देयर विल बी फिफ्थ सो द अंपायर बिहाइंड द स्टंप्स इज द अंपायर हु कॉल्स फास्ट सो द अंपायर थिंक्स इट्स फास्ट ही कैन गो फास्ट There's a line in the middle, which is a right line in the middle of the pitch. The ball has to bounce ahead of the line. Because otherwise people bowl like dead balls that are very low and on the keeper for bouncing. Straight, it's a six. And we have a special board upstairs. So we get that board, it's an 8 run. नहीं हो गया सिर्फ सर विजुअल ले रहे हैं विजुअल दे रहे हैं यू कैन जस्ट
अरे कुछ नहीं Boys, all the best. Thank you, sir. And all the best. Shall we take now? तो कोई एक लेते जाओ ना यार तुम लोग यार उसके फोनों से मत लो ना ठीक ठाक एकदम